तो चलिए आप भी मेरे साथ बनाइए पालक के पकोड़े वाली कढ़ी और मुझे बताइए कैसी बनी थी। सबसे पहले पकोड़े बनाने के लिए मैंने पकोड़े में पालक, प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब कट करके रख लिया है। फिर मैंने इसमें नमक और हल्दी डाली, बेसन डाला, फिर अजवाइन, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाला और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके साथ मैंने एक साथ बेसन ऐड नहीं किया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसन इसमें और ऐड करूंगी ताकि पकौड़े की कंसिस्टेंसी एकदम ठीक हो जाए। अब साथ साथ में मेरा तेल भी गर्म एक साइड रख दिया है मैंने, गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने पकोड़ों को अच्छे से फ्राई करने के लिए रख देना है ताकि पकोड़े अंदर तक क्रिस्प हो जाएं। साथ साथ में अब बैटर बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ी का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 3 चम्मच बेसन डाला, उसके बाद उसको हल्का सा चम्मच से लम्प फ्री कर लिया, फिर इसमें नमक डाला है, हल्दी डाली है और हींग डाला है। उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है बिना पानी डाले और बस एक अच्छा सा लम्प फ्री मिक्सचर पहले ही रेडी करके रख लेना है। फिर मैंने कढ़ाई में तेल में गर्म किया, उसमें जीरा, साबुत धनिया, थोड़ी सी राई, प्याज, सूखा मिर्च और कड़ी पत्ता डाल के मिक्स किया, थोड़ी सी हल्दी डाली और उसके बाद इसमें बैटर ट्रांसफर कर दिया है। अब थोड़े बैटर के बाद इसमें पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मुझे थोड़ी गाढ़ी कड़ी पसंद है इसलिए मैंने पानी थोड़ा कम रखा था। उसके बाद अच्छे से इसको उबलने के लिए 10 मिनट तक रख देना है और जब कड़ी एकदम परफेक्टली बॉयल हो जाए उसके बाद इसमें पकौड़ों को ऐड करिए। साथ साथ में मैं थोड़ा तड़का लगाती हूँ, तो मैंने देसी घी लिया है, उसमें जीरा, हरी मिर्च और साथ साथ में लहसुन और लाल मिर्च पाउडर डाला और उसका तड़का लगाया। आप भी एंजॉय करिए, बताइए कैसी लगी था।